तो राजस्थान में सियासी घमासान में अब फोन टैपिंग का मुद्दा, बीजेपी ने अब कई सवाल पूछे हैं और कांग्रेस को उस तमाम सवालों के जवाब देने के लिए कहा है। एनडीए के एक और सहयोगी जेडीयू ने राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाने की बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती की मांग का विरोध किया है। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि चुनी हुई सरकार को हटाने की किसी भी संभावना का हम विरोध करते हैं। इसी के साथ केसी त्यागी ने राजस्थान के घमासान के लिए इसे कांग्रेस का अंदरूनी संकट ठहराया और कांग्रेस को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया। जेडीयू के प्रधान महासचिव इस वक्त हमारे साथ हैं, केसी त्यागी। राजस्थान का जो मुकाबला चल रहा है पायलट बनाम गहलोत, मायावती मांग कर रहे हैं कि राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाए। विधानसभा के भाग्य का फैसला सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के अंदर हो सकता है, किसको बहुमत है या किसको बहुमत नहीं है। अभी तक ना पार्टी में कोई विधिवत डिवीजन हुआ है। मैं मायावती जी की बात से डिसएग्री करता हूं कि बगैर बहुमत का फैसला हुए या बगैर अल्पमत का फैसला हुए किसी भी सरकार को ना बर्खास्त किया जाना चाहिए और ना राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। ये एसआर बुमई वर्सेस केंद्र सरकार के उन जजों के फैसले के विरुद्ध भी होगा जिन्होंने विधानसभा के अंदर ही सिर्फ और सिर्फ विधानसभा के भाग का फैसला हो सकता है। फोन टैपिंग को लेकर बड़ा बवाल हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि राज्य सरकार ने ये अनैतिक काम किया अगर फोन टैपिंग कराई है। सीबीआई जांच की मांग बीजेपी कर रही है। दूसरी तरफ जो राज्य की एजेंसियां हैं वो लगातार काम कर रही हैं, इसमें जिस तरीके से लगातार हम देख रहे हैं संघ बनाम राज्य, क्या ये लड़ाई आगे बढ़ती देखते हैं आप सीबीआई जांच की मांग के बाद? देखिए, संघ बनाम राज्य का विवाद पिछले 50-60 सालों से निरंतर चला रहा है। आज़ादी के बाद एक ही पार्टी की सरकार थी राज्यों में भी और केंद्र में भी, इसलिए ये विवाद का मुद्दा नहीं बन पाए। जब गैर कांग्रेसी सरकारें बनना प्रारंभ हुई तो केंद्र सरकार का रवैया उन गैर कांग्रेसी सरकारों के लिए पक्षपातपूर्ण था और तभी केंद्र और राज्यों के बीच में संबंध खराब होने शुरू हुए, जब आनन फानन में बहुमत होते हुए भी राज्य सरकारों को केंद्र सरकारें बर्खास्त की गई थी। एनडीए की सरकार संघ और राज्यों के संबंधों को मजबूत करने के लिए है। प्रधानमंत्री कई बार संघवाद को लेकर के वक्तव्य दे चुके हैं और एनडीए की तरफ से कोई ऐसा प्रयास नहीं होगा। ये तमाम राज्यों को हम आश्वासन देना चाहते हैं जिससे संघ के द्वारा राज्यों पर कोई निर्णय थोपा गया। जेडीयू को क्या लगता है जेडीयू को कि राजस्थान के घटनाक्रम के लिए असली दोषी कौन है? कांग्रेस पार्टी के अंदर विल टू पावर समाप्त हो चुकी है और गांधी नेहरू परिवार का भी मतदाताओं में भी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में भी जोर हो गया है। ये यद्यपि कांग्रेस का आंतरिक मामला है लेकिन कांग्रेस पार्टी को अगर विपक्षी दल बनना है तो जनसंघर्षों की कतारों में जोश ला करके और सड़क की पार्टी बनकर के जनता के सवालों को उठाएगी तो जनता का विश्वास जीतने में कामयाब होगा। धन्यवाद बात करने के लिए। और सीधे तौर पर राष्ट्रपति शासन की मांग नकारते हुए और जिस तरीके से विवाद चल रहा है उस पर कांग्रेस पर हमला करते हुए केसी त्यागी। कैमरामैन सुरवीर सिंह के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।